पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की ओर से दानिश प्रोबेशनर अंडमान और निकोबार प्रशासन से जुड़े को परिषद के विभिन्न कार्यों से परिचित कराने के लिए एक सूचना प्रसार कार्यक्रम और अभिन्यास आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीबीएमसी के सचिव दिलखुश मीणा ने की, जिन्होंने परिषद की कार्यप्रणाली का व्यापक विवरण प्रदान किया। कार्यक्रम में पीबीएमसी के सचिव अभिषेक भुक्कल और परिषद के विभिन्न स्कंधों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने अपनी अंतर्दृष्टि को से चर्चा को और समृद्ध किया, जिसमें नगर के लिए स्वच्छता, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, व्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन करना, सड़कों और पड़ोस को साफ रखना, पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा लगातार निगरानी करना, मूल्यांकन करना, सेवा वितरण तंत्र को बढ़ावा शामिल है। पीबीएमसी की यह दृढ़ प्रतिबद्धता आश्वस्त करती है कि प्रत्येक निवासी को न केवल आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण भी मिलता है, जो उनके लिए समर्पण और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण है। इसके अलावा पीबीएमसी स्थानीय करों, उपभोक्ता उपयोगकर्ता शुल्क, साझेदारी और अनुदान का उपयोग करके एक स्वस्थ वित्तीय रणनीति पर जोर देती है। हरित क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ नगर पालिका परिषद पर्यावरण संरक्षण के साथ शहरी विकास को संतुलित करते हुए एक स्थायी पोर्ट ब्लेयर की कल्पना करती है। जैसे जैसे नगर का उत्थान और विकास जारी है, इस तरह की बातचीत सुनिश्चित करती है कि कल की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू बनी रहें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।